नमस्कार, आप देख रहे हैं केगड़ी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर रीवा जिले से, जहां पर एक छात्रा को ब्लैकमेल करने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इसका आरोपी छात्रा के कॉलेज का प्राचार्य है। छात्रा ने बताया कि आए दिन उसके पास फोन करके अकेले मिलने के लिए बुलाता था। वहीं लड़की ने इसकी शिकायत की। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्राचार्य के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी को निलंबित कर दिया गया। एक कंप्लेंट की थी कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनसे फोन पर इस प्रकार का वार्तालाप किया जा रहा है। उसके पश्चात कल थाना विश्वविद्यालय में FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और जैसा कि आपको जानकारी में है, उन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है और वो निलंबित भी हो गए हैं। तो इस प्रकार पुलिस ने भी अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी है और विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ तो हो चुकी है। उनके पर 354, 506, 509 इत्यादि धाराओं में कायमी की गई है। देखा जा रहा है, जो आईडियो वायरल हुआ तो उसमें एक और व्यक्ति का भी नाम उसमें आ रहा है, उसमें भी अभी हम ऑडियो उनसे हमने जो प्राप्त किया है उसका उसको सुन के उसके पश्चात उनके स्टेटमेंट होंगे। ऑडियो को सुन के अन्य कोई भी अगर व्यक्ति उसमें सहयोगी पाया जाता है तो विवेचना में उस पर भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। गिरफ्तार किए गए अभी हमारी टीम उनके लगी हुई है, उनके अरेस्टिंग भी हमारे द्वारा अतिशीघ्र कर ली जाएगी। एक कंप्लेंट खबर फरुखाबाद जिले से, जहां पर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक वृद्ध रात के समय फसलों की रखवाली करता था और इस दौरान उसके साथ ये घटना घट गई। जब इसकी सूचना घर वालों को लगी तो कोहराम मच गया। इसके बाद ये सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस से लगातार इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पहुंचे थे तो किस स्थिति में देखा आप लोगों ने? तो खत्म है थे वहाँ। अच्छा, खत्म हो गए थे। तो घाव सर पे, चेहरे घाव है, चेहरे पूरे घाव है, चेहरा मतलब छत विछत हो गया है। हाँ, चेहरा तो बिल्कुल रह गया, यहाँ से यहाँ तक खुल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो अभी क्लियर नहीं क्या हुआ ऐसा है ना? क्लियर नहीं किया हुआ है। अब जय नहीं, जानवर किसी जानवर ने किया है ना, या किसी ने मारा है? कोई रंजिश वगैरह इनकी थी? नहीं, किसी कोई रंजिश नहीं, कोई नहीं। इतना नुकसान खेत में हो जाता था। जी, निकाल देते थे पगुए, किसी के मारे किसी को घरे का याद थे। अपना पगुआ खुले हुआ बांध लिया हुआ। अपना यहाँ जो एक गांव छबनाथ, किसी ने मार डालो। अच्छा, किसी का आरोप लगाया किसी पे? नहीं, जो अभी नहीं। मृत्यु हुई कि क्या नाम था है? जिसकी मृत्यु हुई क्या नाम था? छबनाथ से। पिता का नाम? दीनानाथ। गांव कौन सा? नौगांव। कितने बजे हुआ ऐसा? अब ये तो नहीं कह सकते, पता नहीं बजे हुआ रात में, क्या पता कितने बजे हुआ। खबर बिजनौर जिले से, जहां पर छात्रों के दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई और इसके बाद बात आगे बढ़ गई और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इससे एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद पहुंची पुलिस घायल छात्र से पूछताछ कर रही है। क्यों मारी बंदूक की बात? कौन थे लड़के? हर्ष और सारे थे, तीन चार बोल रहे थे। कहाँ पर? अच्छा, कहाँ झगड़ा कहाँ हुआ है? MDS पर। जी, मेरा भाई है यश। जी, ये मकबरे का रहने वाला है। ये घर के काम से किसी गया था। इसका नाम क्या लड़के का? यश राजपूत। अच्छा, और ये घर के काम से किसी गया था, किसी इसे लूटपाट करने के चक्कर में से बंदूक की बट मारी और बेसबॉल बैट, और अभी थोड़ा सा होश में आया था, हर्ष नाम बता रहा है जिसने मारा है, बाकी अभी कुछ पता नहीं। कितने लड़के थे कुछ पता चला? दो लड़के बता रहा, दो तीन। ये कहाँ की घटना है? ये MDS साइड की घटना बता रहा है। वहीं रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मुख्य कार्यालय तिलक नगर कॉलोनी पर एक बैठक आयोजित की गई और इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रामपुर के स्वार और बिलासपुर तहसील के बीच में 2200 हेक्टेयर से ज्यादा वन विभाग की भूमि खाली पड़ी है, जिस पर रामपुर की बेरोजगारी समाप्त कराने के उद्देश्य से 1000 बड़े उद्योगों का एक विशेष औद्योगिक जोन की स्थापना होना बहुत ही जरूरी है।
वहीं खबर एटा से, जहां पर दरगाह के पास में एक मूर्ति निकलने के बाद वहां भारी मात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी और जिसके बाद भीड़ में मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि जहां मूर्ति निकली वहां पर पुलिस निर्माण होना था, जिसको लेकर के वहां पर खुदाई की जा रही थी। वहीं खुदाई के दौरान वहां ये मूर्ति मिली। हालांकि मूर्ति मिलने वाले स्थान पर जिले का प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मूर्ति के साथ में शोभा यात्रा भी निकालने की अनुमति दी जाए। वही खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है, जहां एक सीआईएसएफ जवान शहीद हो गया। आपको बता दें कि शहीद दयानंद मल्टीनाथ पाटिल कर्नाटक के बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। वे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआईएसएफ के ड्यूटी पोस्ट में गोली लगने से उनका देहांत हो गया, जिनका अंतिम संस्कार परिवार के विधि विधान के साथ किया गया और इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद जवान की उम्र महज 28 साल। वही खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जैन समाज के द्वारा महावीर स्वामी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान जगह जगह पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। लोग इस मौके पर काफी उत्साहित दिखे। जैन समाज के द्वारा बताया गया कि इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक जियो और जीने दो का संदेश भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि जैन समाज के द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर एक बार फिर इंसानियत को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दो बच्चियां मेला देखकर अपने भाई और मामा के साथ घर लौट रही थी, तभी सुनसान जगह पर उन्हें 5 लोगों ने घेर लिया और बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही है। रात की बात रही है, बच्चियां थीं, एक उसमें बालिग है और एक नाबालिग बच्ची है। वो मेले गई थी अपने रिश्तेदार, एक मामा लगता है उनका और एक भाई लगता है रिश्ते का। उन लोगों के साथ में मेले से जब वापस आ रही थी रात में करीब 8 बजे के आसपास बताया गया, तो साथ में मेले में उनके पड़ोस के ही गाँव के कुछ लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन बच्चियों को रास्ते में रोक कर उनके साथ इस तरह की हरकत की, जिसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और जो लोगों ने हुलिया बताया था बच्चियों ने, क्योंकि बच्चियां पहचानती नहीं थी, अज्ञात थे, और उनके साथ जो भाई और रिश्तेदार थे वो भी नहीं इस बात को जानते थे, और उसमें से कुछ मारपीट भी हुई थी। मारपीट के कारण से वो बच्चे भाग गए थे वहां से स्पॉट से। इस रिपोर्ट पर से पुलिस बच्चियों की तरफ से 376D और पॉक्सो की तरफ पंजीबद्ध कर लिया है। साथ ही तत्काल टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए लगा दिया गया था, जिसमें से पुलिस ने करीब अभी तक 6-7 लोगों को अभिरक्षा में लिया हुआ। पुलिस पूछताछ भी कर रही है, मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सतही जांच की जा रही है। अज्ञात थे सभी और अभी पुलिस के द्वारा 5 लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ करके आगे भी जो आरोपी बता रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने घटना कारित की है, कुछ ने घटना कारित नहीं की है। और आरोपियों में से एक युवती पक्ष की तरफ का उसका रिश्ते का भाई, मौसी का लड़का लगता है, वो भी था। वो अभी पुलिस की बस पूछताछ में है। अगर उसका ये सिद्ध होता है कि मामले में वो भी लिप्त है तो उसके। खबर सीतापुर जिले से, जहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चला और इस दौरान कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इन अपराधियों के तार कई जनपदों में से जुड़े थे। आपको बता दें कि इन पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित था और उनके पास से पुलिस ने सोने चांदी सहित कई मूल्यवान सामग्रियां भी बरामद की हैं। खबर बांदा जिले से, जहां पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले भर के थाना क्षेत्रों में चोरों की तलाश की जा रही थी और इसके जरिए पुलिस की टीम ने क्षेत्र के कई अपराधियों को पकड़ा जो चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से सोने के जेवरात सहित कई सामग्रियां मिली हैं। क्या है पूरा 13/14 की रात बदौसा कस्बे में कच्ची गली में एक परिवार के लोग शादी में सम्मिलित होने गए थे। लौट के आए, देखा उन्होंने ज़मीन में गड़ा हुआ उनका सोना चांदी गायब था। इस पे उन्होंने थाने पे मुकदमा पंजीकृत कराया और मेहनत करके प्रयास करके पूरा माल बरामद कर लिया गया है और अधिकता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ये पैसा लेकर भागने के चक्कर में। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। क्या कुछ इनके पास से सामान बरामद? माल बरामद हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? वहीं के।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। ये जानकारी सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से साझा की गई। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की। चुनावों में पार्टी ने वादा किया था कि अगर आप सत्ता में आती है तो हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब जब सरकार बन चुकी है तो पंजाब सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए हर घर 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा कर दी। सूत्रों ने कहा कि सरकार में अधिकारी अब यह सुनिश्चित करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे थे कि वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य के लगभग 53.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 62.25 लाख जिनकी खपत 300 यूनिट तक या उससे कम है लाभान्वित होंगे। वहीं बताना चाहेंगे कि उपभोक्ताओं की संख्या मौसम के अनुसार बदलती रहती है। सर्दियों में उनकी संख्या अधिक हो सकती है और गर्मियों में यह संख्या कम हो सकती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि PSPCL के एक अधिकारी ने यह बताया है कि करीब 62.25 लाख उपभोक्ताओं की औसत संख्या है जिन्हें हमने कई पिछले खपत पैटर्न के आधार पर निकाला है। उन्होंने यहाँ कहा कि लगभग 84 उपभोक्ताओं को आम आदमी पार्टी के वादे को लागू करने पर लाभ होगा। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 975 नए कोविड केसेस सामने आए। वहीं नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं नए मरने वालों के साथ ही मृतक की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 11,366 एक्टिव मामले हैं और कुल संक्रमणों का 0.03% है। वहीं इस बीमारी से रिकवर करने वाले का दर जो है वो 98.76% है और शुक्रवार को 796 लोग भी ठीक हुए। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 366 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.95% रही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए केकड़ी न्यूज के साथ।